आगे बढ़ेंगे। यूपी में कोरोना संक्रमित लोगों का आंकड़ा बढ़ते ही सीएम भी अब सख्त हो गए हैं, जिसके बाद पुलिस उन लोगों की तलाश में जुट गई है जिन लोगों ने यह आंकड़ा बढ़ाया है। मेरठ एडीजी जोन भी पूरी तरीके से अपनी टीम के साथ सड़कों पर हैं। धार्मिक आयोजनों को लेकर एडीजी जोन प्रशांत कुमार ने कहा कि सभी धार्मिक गतिविधियों पर सामूहिक रूप से रोक लगी हुई है। साथ ही उन्होंने बताया कि सोशल मीडिया पर किसी भी तरह की अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं गाजियाबाद में नर्सों के साथ हुई बदसलूकी को लेकर भी उन्होंने कहा कि जल्द ही सभी आइसोलेशन सेंटर में सीसीटीवी लगाने का प्रबंध किया जाएगा और किसी को भी अगर ऐसी गतिविधियों में लिप्त पाया गया तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहीं डीएम अनिल डिंगरा का कहना है कि लोगों को सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए राशन वितरण किया जा रहा है और साथ ही जो डॉक्टर्स कोविड-19 संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं उनको स्पेशल सुविधा भी दी जा रही है। सूची तैयार की जा चुकी है और लगभग 298 जमाती ऐसे आइडेंटिफाइड हैं जो कि दिल्ली का जो कट ऑफ डेट है 1 मार्च के बाद से वहां से गुजरे हैं, उन सबको क्वारंटाइन किया गया है। इसके अतिरिक्त कुछ हमारे विदेशी जमाती भी हैं, उनको भी हम लोगों ने क्वारंटाइन किया हुआ है। उनके विरुद्ध जो फॉरनर्स एक्ट के तहत सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। गाजियाबाद की घटना के संबंध, गाजियाबाद में के एक आइसोलेशन जहां आइसोलेट किया हुआ है उसकी शिकायत मिली थी कि वहां जो हमारी फीमेल नर्सेस थी उनके साथ कुछ बदतमीजी हुई है। जैसे ही ये सूचना मिली उस पर तत्काल FIR पंजीकृत करा के और उनका बयान लिया जा रहा है। जितने भी लोगों पे आरोप है वो ऑलरेडी कस्टडी में है, क्वारंटाइन है और महिला क्षेत्राधिकारी उनका बयान ले रही हैं। आगे जो भी एविडेंस मिलेगा उस पर तत्काल कार्रवाई की जाएगी।